खबर रोहतास जिला के देहरी ऑन सोन से है, जहां बिहार के एडीजे एनके आजाद अपने पूरे दलबल के साथ रोहतास जिला के देहरी नगर थाने पहुंचे, जहां एडीजे को देख सभी अधिकारियों के अंदर हड़कंप मच गया। सभी पुलिस अधिकारी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी के कार्यों में मुस्तैद रहे। वही मीडिया से बात करते हुए एडीजी एनके आजाद ने कहा कि पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए हम लोग सरकार के निर्देशानुसार लगातार थानों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे पुलिस विभाग के अंदर त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस निरीक्षण के दौरान शाहबाद डीआईजी छत्रनील सिंह, साथ ही रोहतास एसपी श्री आशीष भारती, डेहरी एएसपी नवजोत सिनी मौजूद रहे। डेहरी नगर थाने के निरीक्षण के दौरान एडीजी ने कई सारी त्रुटियों को निकाला, साथ ही अधिकारियों को भी फटकार लगाई। आइए सुनते हैं निरीक्षण के दौरान क्या कहते हैं बिहार के एडीजी एनके आजाद। रोहतास से आरपी भारत के लिए कैमरा पर्सन आदित्य राज के साथ रोहित सिंह की खास रिपोर्ट। ये हम लोगों का इंटरनल मैटर है कि हम लोग हेडक्वार्टर से पुलिसिंग को और अच्छे कैसे किए जाए, उसके लिए सीनियर ऑफिसर्स जिले में और जिले के बाद पुलिस स्टेशन का भी विजिट करते हैं, ताकि एक अच्छे पुलिसिंग को हम अंजाम दे सकें और हमारा काम करने का जो तौर तरीका है उस पर भी हम लोग रिव्यू करने के लिए आते हैं। उसी कड़ी में मेरा एक विजिट था। सर, किस तरह के अहम निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर? है कि गुणात्मक रूप से जो खान का अनुसंधान हो रहा है उसमें अच्छा किया जाए और साइंटिफिक जो एविडेंसेज है उसको कलेक्ट किया जाए, उसके बाद जो हमारे पास पेंडिंग जो केसेज हैं उसको द्रुत गति से हम लोग कैसे इसका डिस्पोजल कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग ने इसका डायरेक्शन दिया है। और जो मैन पावर का किस तरह बढ़े, ठीक ढंग से उपयोग किया जाए तो पुलिसिंग में इसका लाभ हो और जनता इससे लाभ पहुँचे, जनता का इस तरह हम लोग ने निर्देश दिया है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।